आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल शुरू। चुनाव के समय तेजस्वी यादव की वादा खिलाफी के विरुद्ध जताया आक्रोश। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले संघ की प्रखंड सचिव विनीता चौबे के नेतृत्व में सेविका एवं सहायिकाओं ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रतिवाद मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर हुई सभा में विनीता चौबे ने मौजूदा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय बार बार यह कहना कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का मानदेय दुगुना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को पंचायत स्तर पर हड़ताल के समर्थन में सेविका व सहायिका केंद्रों पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करेगी। कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने लंबित मार्गों के समर्थन में सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आर्थिक शोषण एवं दोहन कर रही है। इस महंगाई में मानदेय के रूप में बहुत ही कम रुपए मिलता है, उससे घर परिवार का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। मौके पर हमीदा असगरी, चंदा देवी, डेजी देवी, अनीता देवी, कल्पना कुमारी, शीला देवी, सोनिया देवी, सीता देवी, कामिनी देवी, बेबी देवी, विद्या देवी, पूनम देवी, चंदा देवी, रूपम कुमारी, शिव कुमारी, प्रभावती देवी, विभा देवी, संगीता देवी सहित सैकड़ों की संख्या में सेविका व सहायिका धरना प्रदर्शन में शामिल रही। आज से हम सभी सेविका महान पंचायत सिंहवाड़ा प्रखंड को अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का तो मांग बहुत है, लेकिन कम से कम 26,000 सेविका का मानदेय और 13,000 सहायिका का मानदेय होना। तो आपके हड़ताल में सहायिका भी शामिल है? हाँ, सेविका सहायिका दोनों साथ हैं हम लोग। तो अभी जो प्रखंड क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ सब ताला बंद है? सब, एक भी खुला है एक, कि नहीं? एक नहीं खुला, एक कुटो नहीं खुला है, पूरा सिंहवाड़ा प्रखंड मेरा बंद है। सबका समर्थन है? सबका समर्थन है। कोई आया था प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए विभाग से आप लोगों से? हाँ हाँ, आई थी ना, मैडम से बात हुई है, बड़ा बाबू से बात हुआ है, हम लोग रिसीविंग लिए हैं। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 10 नवंबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 20 दिसंबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 15 जनवरी 2024 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।